गाइस आइए आपको दिखाते हैं बाबू साहब का, जो आर्थर सिंह भैया का नाम है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, अंदर से काफी मजा आएगा। जैसा आप हवेली देख सकते हो, इस समय इसकी कीमत है 100 करोड़ से ऊपर है, अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने भैया से पूछा तो बताया, बट इस समय इसका इतना ज्यादा कितने पता कितने एकड़ में फैला हुआ है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं। आ जाइए भैया, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस घर का एक छोटा सा रिव्यू देते हैं, कितना मजा आने वाला है। इस घर के अंदर कितनी बड़ी, मतलब क्या राज है, ये आपको दिखाते हैं। बहुत मजा आएगा, व्लॉग बने रहना। ये देख सकते हो भाई, पुराने जमाने जैसे आते ही लग रहा है, बहुत पुराने जमाने का फील आ रहा है। और ये क्या है, ये गुफा है। ये तो वही गुफा है जो यहाँ से 3 किलोमीटर पे अंदर जाता है रेलवे वाला ना। पहले के लोग क्या बनाते थे, नहीं वैसे बंद कर दिया गया इसको, मतलब सरकारी अभी घर को आपको दिखाई दे रहे, कहोगे भाई क्या, मतलब क्या सिस्टम से बनाया गया है। आइए, और ये देख सकते हो राज दरबार है पूरा, राव साहब का घर है भाई, राव साहब। और ये जेल, आइए देखते हैं हम लोग जेल यहाँ का। चलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ। बंद है क्या अंदर से, काफी एक खूबी दिखाई देगी आपको यहाँ पे, बहुत सारे राज छुपे हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये देख रहे हो भाई, पूरा पुराना जमाना जैसा फील आ रहा है, देख रहे हो ना, जैसे राज दरबार लोग हैं, राजा का घर ही है। अभी तक ये राजा के लोग मेंटेन किए, देखे पहले कैसी कुर्सी थी, पहले के बेड वगैरह कैसे थे, देख रहे हो आप लोग कैसे थे। आइए दिखाते हैं, बहुत सारी। अच्छा ऊपर जेल है, वाह इतना दरवाजा है भाई, इतना ज्यादा इसमें दरवाजा है कि आप लोग देखोगे तो कहोगे भाई कहाँ है इस समय हम लोग। ये जैसा देख सकते हो, ये इंट्रो आप समझ लो जेल का, देख रहे ना। आइए अंदर दिखा दे, वाह तो ये जेल है। ओहो काला पानी वाला जेल नहीं है, बट काफी अच्छा जेल है। मतलब यहाँ पे कुछ इधर कुछ होगा ना खाने वाला देने वाला। अच्छा है यहाँ पे जेल है जैसा देख सकते हो इसके। अब इस घर में अगर दौड़ेगा ना कोई, इधर का उधर निकलेगा, इधर का उधर निकलेगा, इतना सारा ज्यादा घर है ना, पूछो मत। पहले पहले जमाने में ना बेड जैसा है। ये देखो ऊपर से कुछ आपको ऐसा व्यू मिलेगा, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज रसोई बोलते हैं, बहुत सारे लोग ने क्या बोलते हैं बट पता नहीं, बट अपने लोग हम लोग नानी घर भी मेरे ऐसा बना हुआ है, तो ये सब तो अभी भी थोड़ा है। बट जेल और ये सुरंग वाली कहानी बहुत यूनिक है, हर हर रूम में अटैच है। नहीं देखिए हम लोग अभी ऊपर से आ गए नीचे, नीचे से आ गए ऊपर, ये उधर है। आई ऊपर दिखाते हैं, ऊपर मजा आएगा। नहीं ये कहाँ जाएगा, हाँ अभी उसी ऊपर से आया, हम लड़ा छत पे वाला होगा, ये भी बाहर जाएगा ना, गार्डन टाइप का है ये। वाह
देख रहा हूँ इतना तगड़ा देखने लग रहा है। वो जो अशोक सम्राट थे, हाँ हाँ, उनके गुरु जी आकर यहीं पर हवन वन किए थे। ये हवेली के पीछे छोटा सा गार्डन है और अंदर गए थे हम। हाँ हाँ, सुरंग वाला। अच्छा, ये सब वही निकला है। ये देख रहे हो ना, इसके नीचे सब, यहाँ पे भी सुरंग है। अभी इतना पहले जमाने का कोई सिस्टम नहीं है, बट अभी ये इतना मेंटेन किया गया है, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा, अभी आपको ऊपर से भी दिखा देंगे। और ये देख रहे हो पूरा गार्डन है उधर, इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और ये कम से कम 100 करोड़ से ऊपर ये समय की कीमत है यहाँ पे। अभी इसके आने वाले समय में पता नहीं कितने करोड़ में हो जाएंगे। दूसरा डोर है, हर जगह आपको सीढ़ी, हर जगह। ये भी कुछ है, मंदिर ऐसा है। और यहाँ पर देख सकते हो मंदिर भी है, काफी अच्छा। और यहाँ से आप बाहर देख सकते हो इस हवेली का व्यू। अभी आपको इस अंदर का और भी अच्छे अच्छी खूबियाँ दिखाएंगे। इसको हम लोग घूमते घूमते हम लोग आधा घंटा समय चला गया, पता नहीं चला। अभी हमने तो मैं जो दरवाज़ा खोला, अभी हम लोग देखो नीचे से आए थे वो, अब हम लोग इस समय ऊपर हैं, देख सकते हो भाई लोग। अभी हम लोग वहाँ भी गए थे, आप लोग पता होगा नीचे। ये सरसों है, इतना सरसों तो कहीं मिलता नहीं। ये देख सकते हो, अब रूफ पे है, छत पे इस समय हम लोग हैं। और कितना मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होके। अभी तक आपने नीचे से ऊपर देखा होगा, बट अब देखिए ऊपर से नीचे तक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और वो बगल में मेरे हॉल भी, इतना बड़ा जमीन है, बगल में मेरे हॉल दे दिया गया है। और इधर भी बहुत सारा कुछ काम दिया गया है, बहुत ज्यादा कर गया भाई। वहाँ पे हंटर जीप खड़ी हुई है, काम वगैरह हो रहा है, इधर भी देख रहे हो। और यहाँ पे लकड़ी का भी काम हो रहा है। तुम इतना सारा जमीन पूरा फैला हुआ है भाई, बहुत ही ज्यादा। ये लोग उधर जा रहे हैं, देख रहे हो कितना मजा। ये देखिए, हम लोग वहां से भी आए हैं, ठीक उसके जैसे एक रसोई आगे भी है। और यहाँ दरबार पैलेस मैरिज हॉल भी है। हम लोग जब रात कल आए थे तो हम लोग बात वगैरह यही कर रहे थे, तो इतना सारा। तो ये भी अपने जमीन में ही है ना, सही है, उतना जमीन रखने से क्या नहीं, कुछ खुल गया तो सही है। ये देख लो भाई लोग, इतना ज्यादा कदम की लगभग हमको लग रहा है 40-50 कदम होगी बस ये छत। नहीं, बहुत ज्यादा है, मजा आ गया। हम लोग जा कहीं और से, निकल कहीं और से रहे नहीं। यहाँ पे लकड़ी का भी काम हो रहा है, देख रहा ना। ये देख रहा हूँ, ये सब किसके लिए तैयार हो रहा है यहाँ का, ये यहीं लगने के लिए तैयार हो रहा है कि कहीं बन के जाएगा ये। काफी अच्छा अच्छा डिजाइन बना है यहाँ पे, राधा जी का डिजाइन बना है, कृष्ण जी का,
वहाँ पे बना है सब कुछ, यहाँ मशीन है कंप्यूटर जनरेट कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक बनाता रहता है ये। यहाँ पे भांग वांग भी पड़ा हुआ है, सब कुछ केला अभी सही है। कहीं रास्ता जाता हुआ जैसे गार्डन के आगे है, इस गार्डन के आगे से भी कहीं रास्ता जाता हुआ। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। देखो हम लोग उधर गए थे, उधर से गए थे और इधर से निकले, मतलब हम पूरा घूमते घूमते यहाँ तक निकले। और इधर भी है जेटा थार वगैरह खड़ी, ऊपर से आपको दिखाया होगा। तो ये देखो हंटर भी खड़ी हुई यहाँ पे, तो मज़ा आ गया भाई, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगा। अरे हमारे भाई है, इनका हमने सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया, इनका चार्जर निकाल दिया था तो बहुत मज़ा आया भाई, हवेली देखा मज़ा आ गया। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कर रहे हैं आप कितने साल हो गया? तब भी 100 साल 2 साल 70 साल। तो कुछ बताइए, आप कुछ बताइए तब तो आपको पूछना चाहिए, बताना चाहिए, बताइए तब कितना मजा आया यहाँ काम करके, मजा आया कि नहीं? अरे बहुत मजा आया। डर से तो कुछ और लग रहा है, क्या समझ रहे हो? डर से कुछ और लग रहा है, बट बहुत मजा आया। आप लोग इधर से, इधर से, इधर से आइए। जब तो हमको रात में हमको डरवा दिए हैं भैया, गया ताप रहे थे तो। ये हवेली है? हवेली है, ये बहुत पुरानी हवेली है। घुसते इसमें? नहीं, इसमें था उतना ही दूर है, ज्यादा नहीं। मैं यही सब वही वाला है ना पीछे जो अंदर से जो छत वाला गुफा था, वही गुफा होगा। भूतिया लग रहा है। यहाँ से आओगे ये मंदिर के पास है तुलसी जी के, तुलसी का आपको यहाँ बैठने का जगह भी दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे बैठ वगैरह सकते हो कुछ बातें करने के लिए। पुराने जमाने में दिखा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये अंदर दिखा रहा हूँ कितना मतलब खुफिया बनाया गया है, देख रहे हो ना। यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर, इधर से भी रास्ता है भाई, हर जगह से रास्ता ही रास्ता आपको दिखाई देगा, हर जगह से। आप कहोगे भाई घर है ही दरवाजा, पता नहीं इसमें 100 से 200 दरवाजे ही लगे होंगे बस। अरे यार तक भैया गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी है। और यहाँ पे रसोई दिखा, यहाँ पे भी इस समय खाना वगैरह यहाँ बनता है।